नमस्कार, मैं हूं आनंद गोस्वामी और आप देख रहे हैं इनफ्लाई न्यूज़। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ साथ खबर पर रहती है हमारी पैनी नज़र। आइए डालते हैं आज के स्पीड न्यूज़ पे एक नज़र। पाकिस्तान चुनाव, खैबर पख्तूनख्वा में फायरिंग धमाके में 6 पुलिसकर्मियों सहित अन्य 8 की मौत। पूरे देश में मोबाइल सर्विस बंद, कल नतीजों की घोषणा संभव। केंद्र सरकार के श्वेत पत्र से पहले कांग्रेस का काला पत्र, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह काले टीका जैसा है। किसानों का दिल्ली मार्च, लगा महाजाम, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़, किसान चिल्ला बॉर्डर की तरफ बढ़े, 200 हिरासत में नोएडा एक्सप्रेस वे बंद। भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट बंद, घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री शाह का बड़ा फैसला, बॉर्डर पर फेंसिंग की घोषणा भी की थी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का शाह नड्डा से मुलाकात की खबर, बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान जल्द। कांग्रेस ने यूपी में मांगी 20 सीटें, सपा चीफ अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। मुंबई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के अंधेरी पूर्व स्थित आवास पर आयकर विभाग की रेड। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का स्लैब गिरा, 5 घायल, 1 की मौत। लाल कृष्ण आडवाणी से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, भारत रत्न मिलने पर दी बधाई। हैदराबाद में एनआईए की रेड, इनमें बिच्छिनम मैगजीन के संपादक का घर भी शामिल, माओवादियों से संबंध रखने का आरोप। 450 में गैस 6500 रुपये पर हर साल और लड़की के पैदा होने पर सरकार से मिलेगा 1 लाख का बॉन्ड, जयपुर मेट्रो के नए रूट को मंजूरी। भजनलाल सरकार ने खोल दिया पिटारा, लड़कियों की सुरक्षा पर फोकस। ज्ञानवापी मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि हम सब संविधान से बने हैं, संविधान हमें अधिकार देता है, सरकार चालाकी करती है, क्या हम किसी का अधिकार छीन सकते हैं? अगर कोई अदालत कोई आदेश देती है तो इसका मतलब यह है कि हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं, संविधान हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अदालत न्याय करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगी। भारत गठबंधन पर आज सांसद संदीप पाठक कहते हैं, बातचीत काफ़ी समय से चल रही है, बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, मेरा मानना है कि चूंकि चुनाव नज़दीक है इसलिए हमारे पास समय कम है और काम ज़्यादा। हमने असम के 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है, मुझे उम्मीद है कि ये सीटें भारत गठबंधन द्वारा स्वीकार की जाएंगी और आपको दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल बजट में 7 करोड़ रुपए की घाटा, राजस्व में 10% की वृद्धि, लक्की भंडार के तहत अब महिलाओं को 500 की जगह मिलेंगे 1000 रुपए। सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया गया, 100 दिनों में बकाया के मद्देनजर राज्य बजट से 3700 करोड़ आवंटित। शारदा कांड, टीएमसी नेता कुणाल घोष को राहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने 2013 में पार्कचीट थाने में दर्ज मामले में तृणमूल प्रदेश महासचिव को पूरी तरह दिया निर्दोष करार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इस महीने कोलकाता दौरा कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मैं फिर हुगली से ही लड़ूंगी लोकसभा चुनाव, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का दावा, 2019 में 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां, ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार सड़कों पर बांस डंडे लेकर उतरी महिलाएं, विरोध प्रदर्शन, भारी संख्या में पहुंची फोर्स। वेलवन फाइनेंस इज अ पर्सनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग एंड सर्विंग मिलेनियल्स टू टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन व्हाइल बाइंग ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एसएमई लोन्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस।